दोस्तों ये खड़ी हुई है आप लोगों के सामने दो ब्रांड न्यू 200 सेगमेंट की बाइक। एक है दोस्तों RS 200 और एक है दोस्तों ड्यूक 200। अब दोनों ही बाइक 200 सेगमेंट की बाइक है। दोनों बाइक इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन बात ये आती है कि दोनों में आपको कौन सी लेना चाहिए। देखिए दोनों ही 200 सेगमेंट की बाइक है, दोनों ही बहुत अच्छी बाइक है और दोनों ही मान लीजिए बजाज और एक KTM है। दोनों ऑलमोस्ट आप लोग पता है इंडियन मार्केट में मर्ज है। अब दोस्तों एक तरफ अपनी फेयरिंग स्पोर्ट बाइक और एक तरफ अपनी नेकेड स्पोर्ट बाइक, तो पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपको मैं डिटेल कंपैरिजन बताने वाला हूँ कि दोनों में हमें क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन पर आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों बाइक के प्राइस डिफरेंस के बारे में कि दोनों बाइक में हमें क्या प्राइस डिफरेंस देखने को मिलता है। अब जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ लेने वाले रहने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले अपने बजट के बारे में सोचते हैं कि हमारे पास पैसा कितना, जितना हमारे पास बजट होता है, जितना हमारे पास पैसा होता है उसके हिसाब से हम किसी चीज़ को डिसाइड करते हैं। RS 200 दोस्तों ऑन रोड आ रही है 210,000 रुपये, 210,000 रुपीज़ के आसपास की जो आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। वह अगर मैं ड्यूक के बारे में बात करूँ दोस्तों, ड्यूक 200 ऑन रोड प्राइस आ रही है लगभग 238,000, 238,000 रुपये के आसपास की जो है ऑन रोड प्राइस आपको देखने को मिलती है। मतलब दोस्तों अगर आप दोनों का कंपेयर करेंगे तो दोनों में जो आपको ऑलमोस्ट 30,000 रुपये के आसपास का जो प्राइस डिफरेंस आपको दोनों में देखने को मिल जाता है। अब बताइएगा कि आप दोनों में कौन सी लेना चाहेंगे 30,000 का डिफरेंस। हालांकि आपको डिटेल जो है मैं कंपेरिजन आपको मैं देने वाला हूँ जिसमें और आपको ज़्यादा जो है क्लियर होगा कि आपको कौन सी बाइक लेना है। चलिए सबसे पहले आपको फ्रंट DRL दिखाता हूँ अपनी ड्यूक में। दोस्तों यहाँ पे आपको LED जो DRL लाइट है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छी जो LED DRL लाइट है दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे ऑफर किया हुआ है। अपनी RS में दोस्तों यहाँ पे आपको LED जो DRL लाइट है वो आपको देखने को मिलता है। इसका भी जो DRL लाइट है भाई वो काफ़ी तगड़ा हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद मेन लाइट में दोस्तों यहाँ पे आपको ड्यूक 200 में आपको फुली जो LED लाइट है वो आपको इस बाइक में देखने को मिलेगी। काफ़ी अच्छी जो लाइट है दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे ऑफर किया हुआ है। एंड मेन लाइट में RS में दोस्तों आपको ना डुअल हेलोजन प्रोजेक्टर लाइट आपको देखने को मिलेगा। डुअल हेलोजन प्रोजेक्टर है, ये दो प्रोजेक्टर आपको मिलेंगे। दोनों की लाइट की ल्यूमिनेशन एंड उस विजिबिलिटी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। दोस्तों RS में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको फ्रंट में LED टर्न सिंगल लैंप मिलेंगे। ड्यूक में भी आपको फ्रंट में LED जो टर्न सिंगल लैंप है वो आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक, चलिए बात करें फ्रंट सस्पेंशन के बारे में। दोस्तों फ्रंट में RS में ना आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। आप देख पा रहे हैं सस्पेंशन यही है, सस्पेंशन क्वालिटी बहुत अच्छी इसकी है। एंड ड्यूक में आप लोगों को दोस्तों फ्रंट में WP के जो है 43 mm के USD यानी कि अपसाइड डाउन सस्पेंशन आपको मिलेंगे। मतलब ड्यूक के सस्पेंशन भी अच्छे हैं और RS के भी सस्पेंशन आपको अच्छे मिलते ही मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे RS में आपको फ्रंट में 180 का टायर साइज मिल जाता है और ड्यूक में आपको फ्रंट में 110-70 के आसपास का जो टायर साइज है आपको देखने को मिलेगा। बात करें ब्रेकिंग के बारे में, पहले मैं आपको RS दिखाना चाहूँगा। ये आप देखिए RS में दोस्तों आपको फ्रंट में ना पहले आपको बता दूँ 300 mm की डिस्क ब्रेक मिलती है, डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, प्लस बाइब्रे के जो कैलिपर है वो भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे डुअल पिस्टन वाले। ड्यूक में ना दोस्तों आपको जो है ना रेडियल कैलिपर मिलता है। देखिए यहाँ पे आपको रेडियल कैलिपर मिल रहा है जो कि फोर पिस्टन आता है, ये कैलिपर ज़्यादा अच्छे हैं। बाकी ब्रेकिंग में इसमें भी आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है और इसमें भी आपको फ्रंट में 300 mm के आसपास की जो डिस्क प्लेट है आपको देखने को मिल जाएगी। अब चलते हैं दोस्तों दोनों के इंजन स्पेसिफिकेशन की तरफ। देखिए RS 200 में आप लोगों को 199.5 cc का लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक SOSC सिंगल सिलेंडर इंजन आपको मिलेगा। ड्यूक 200 में 199.5 cc का लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक DOSC सिंगल सिलेंडर जो इंजन है आपको इसमें देखने को मिल जाता है। एक तरफ है DOSC इंजन और एक तरफ है SOSC इंजन। बात करें पावर एंड टॉर्क के बारे में दोस्तों, RS 200 मैक्सिमम पावर में जो है 24.5 का PS पावर जनरेट करती है एंड 18.7 के आसपास का जो टॉर्क है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। एंड अपनी जो ड्यूक है इस पर दोस्तों आपको 25 का PS पावर मिलता है एंड इसमें आपको 19.3 के आसपास का टॉर्क मिल जाता है। मतलब अगर आप कंपेयर करेंगे तो पक्की बात है भाई ड्यूक में आपको माइनर जो है पावर आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद दोस्तों आपको बता दूँ दोनों में ना लिक्विड कूल इंजन मिलता है। देख पा रहे हैं आप RS का रेडिएटर है ये और अपनी ये ड्यूक का रेडिएटर है। ठीक, ड्यूक में भी आपको 6 गियर मिलेंगे, RS में भी आपको 6 गियर मिलेंगे। दोनों बाइक E20 BS6 नॉर्म्स के साथ में आती है। प्लस ध्यान रखिए दोस्तों दोनों ही बाइक में आप लोगों को जो है नॉर्मल वेट मल्टीप्लेट जो क्लच है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। मतलब क्लच जो है दोनों में आपको बहुत बेहतरीन मिल रही है, दोनों ही जो है काफ़ी अच्छे क्लच के साथ में आती है, E20 के साथ में आपको दोनों बाइक में मिलेगा। तो ये था दोस्तों दोनों का डिटेल इंजन स्पेसिफिकेशन। चलिए बात कर ले अब दोनों बाइक के माइलेज एंड परफॉर्मेंस के बारे में। तो भाई माइलेज एंड परफॉर्मेंस में जो है इसमें तो आपको फ़र्क देखने को मिलेगा पक्की बात है। देखिए RS जो है ना लगभग 35 के आसपास का माइलेज देती है
ड्यूक भी 35 का माइलेज देती है, बट 0 to 100 में ड्यूक ज़्यादा फास्ट है क्योंकि वेट कम है। ड्यूक 200 दोस्तों 0 to 100 में लगाती है मेरे हिसाब से, ड्यूक 200 0 to 100 में लगाती है भाई मेरे हिसाब से लगभग 9.5 सेकेंड आर एस लगाती है, लगभग 10 सेकेंड लगाती है। ठीक, टॉप स्पीड दोनों की लगभग 140 किलोमीटर पर आवर के आसपास की टॉप स्पीड आपको दोनों की मिल जाएगी। ठीक, चलिए अब चलते हैं दोस्तों दोनों के स्पीडोमीटर की तरफ। पहले मैं ना आपको आर एस दिखा देता हूँ। दोस्तों आर एस में ना आप लोगों को जो है ना फुली एनालॉग विद डिजिटल मीटर आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें आपको जो फीचर है, आपको काफ़ी सारे जो फीचर है आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, जैसे स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, क्लॉक, ABS लाइट, फ्यूल गेज, सर्विस रिमाइंडर, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर, ये सारे फीचर आपको मिलेंगे। ध्यान रखिए आरएस में गियर इंडिकेटर नहीं आता, ध्यान रखिए आरएस में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं आता। अब मैं बात कर लूँ दोस्तों ड्यूक 200 के बारे में। दोस्तों ड्यूक में आपको फुली कलर TFT डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। देखिए मैं ऑन कर देता हूँ, यू कैन सी यहाँ पे आपको फुली कलर TFT डिस्प्ले आपको मिल रहा है, जिसमें आपको जो फीचर है ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा मिलता है। और भाई इसका डिस्प्ले भाई कलर्ड है तो दिखता भी जो है बहुत ज़्यादा प्यारा है। ठीक, इसमें क्या क्या फीचर है, ABS की लाइट, गियर इंडिकेटर, इंजन टेम्परेचर, फ्यूल रेंज, बैटरी, जीरो स्पीड वन, ट्रिप वन, सारे फीचर है। टेकोमीटर है यहाँ पे आपका, ये देख पा रहे हैं आपका ये स्पीडोमीटर है। ठीक, ये स्पीडोमीटर और ये यहाँ पे इंजन टेम्परेचर है। इसके स्विचेस देखिए, RS के स्विचेस एकदम सिंपल है, इसके स्विचेस अलग है। ठीक, इससे आप इसके स्पीडोमीटर को कंट्रोल करेंगे, जिसमें आपको काफ़ी फीचर मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आपको मिल रहा है मोटरसाइकिल में ABS पे दो मोड है, ABS के बाद कूलेंट टेम्परेचर है, बाइक इन्फो में फ्यूल रेंज, बैटरी, ओडो, सर्विस, वार्निंग्स, ये सारे फीचर है। उसके बाद आपका ट्रिप वन, ट्रिप टू है। उसके बाद दोस्तों सेटिंग्स में आपको फेयरवेट, क्यूब सेलेक्टर, कनेक्टिविटी, सिप लाइट, यूनिट डेट्स, एक्स्ट्रा फंक्शन, ये सारे फीचर जो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। मतलब फीचर वाइज अपनी ड्यूक ज़्यादा बेहतर है। स्विचेस में पास स्विच, हजार्ड का स्विच, स्पीडोमीटर कंट्रोलर, टर्न सिग्नल लाइट ऑन, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती है। ठीक, चलिए अब आते हैं रियर प्रोफाइल में। दोस्तों RS में आपको टेल लाइट LED मिलती है, ड्यूक में भी आपको LED मिलता है। RS ड्यूक में रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाएंगे, RS में भी आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाते हैं। ड्यूक में 150-60 का टायर है, RS में आपको 130-70 का टायर है। RS में 230mm का डिस्प्ले है, ड्यूक में भी आपको 230mm के आसपास का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। दोस्तों ड्यूक में आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट मिलता है, RS में आपको एक्सटर्नल एग्जॉस्ट भी देखने को मिल जाता है। ठीक, तो ये था दोस्तों दोनों बाइक का डिटेल कंपैरिजन। अब बात आती है कि भाई दोनों में लेना कौन सी है। देखिए मैंने आपको डिटेल कंपैरिजन बताया है, दोनों में मैंने आपको ये भी बता दिया कि 30,000 रुपये के आसपास का प्राइस डिफरेंस है। बाकी दोस्तों मैं ये बोलना चाहूँगा कि दोनों बाइक अपने सेगमेंट की किलर बाइक है, अपने सेगमेंट की वन ऑफ द बेस्ट बाइक है। अब आप पे डिपेंड करता है दोस्तों आपको किस बाइक के साथ में जाना है। बाकी देखिए, अगर आपको कम्फर्ट चाहिए तो गो फॉर ड्यूक, अगर आपको एक फेयरिंग और मजे वाली बाइक चाहिए तो गो फॉर RS 200। अब आप बताना है कि आप कौन सी ले रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।